गिरिडीह प्रखंड के बजटों में ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रहे गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत बदगुंडा से लिखियो डी सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। वहीं अनियमितता के खिलाफ योजना स्थल पर बजटो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद वर्मा की अगुवाई में दर्जनों ग्रामीण के लोगों ने सड़क निर्माण में दिए जा रहे खराब मटेरियल को लेकर जमकर हंगामा बरपाया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि बदगुंडा मुख्य पथ के निर्माण में संवेदक के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सड़क निर्माण में 4 इंच मेटल डालने की जगह पर मात्र 2 इंच का मेटल डाला गया है, जिससे सड़क की गुणवत्ता खराब हो गई है। वहीं सड़क में कुछ जगह पर पीसीसी ढलाई का भी काम होना था, लेकिन संवेदक के द्वारा ढलाई का काम भी नहीं किया जा रहा है और जो काम हो गया है वो भी अच्छी तरह से नहीं हुआ है और सड़क की हालत उस जगह पर खस्ता हो गई है। ग्रामीणों ने कहा कि उसकी शिकायत गिरिडीह उपायुक्त से की जाएगी और पूरे सड़क का जांच भी करवाया जाएगा। लोग यहाँ पर लीज को नहीं होने देंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव, ग्राम चटकमान। लेकिन पूरा रंग कई जिंदगी में कहीं रोड ना बनते रोडवा गली है, इसी तरह रहेगा, कचरा गली है, छोड़ दीजिए। तो मुख्य प्रतिनिधि जितेंद्र प्रसाद वर्मा, हम विभाग उपायुक्त महोदय से बात करना चाहते हैं कि जो जोड़ा पहाड़ी से लेकर बंसीडी मोड़ तक जो रोड बन रहा है वो एकदम घटिया किस्म का रोड बन रहा है। बार बार हम लोग ठेकेदार से बात करने के बाद भी हम लोग को बात नहीं सुन रहा है और ठेकेदार को हम लोग जब बोलते हैं बोलता नहीं ऐसे ही बनेगा, इसे अश है। लेकिन हम लोग विभाग से मांग करते हैं कि इतना ठेकेदार आज तक जो रोड बन रहा है उसका ना बोर्ड लगाया हुआ है न एस्टिमेट हम लोग को देखने के लिए दे रहा है। जहाँ पर पीसीसी होने की ज़रूरत है वहाँ पर भी पीच कर दे रहा है। और पीच महोदय से हम लोग मांग करते हैं कि इसको और जांच किया जाए कि जो रोड बन रहा है कितना घटिया किस्म का है। धन्यवाद।